नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। अब स्थिति सुनो, स्वामी जी को रसिक नाम कैसे मिला? निधिवन राज में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज विराजे हैं और स्वामी जी मानसी में जो चिंतन करते थे प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ जाते थे। दोनों प्रियालाल जी सामने खड़े हैं और श्री प्रियाजू स्वामी जी से पूछ रही हैं कि हे स्वामी जी, आज हम दोनों नृत्य करके बताएंगे और आप जज बन के बैठो, ये बताओ बढ़िया नृत्य कौन ने कियो, दर्शन करो छवि को कैसे लग रहे हैं। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, भाव भाव उपजत अंग अंगने, भाव हमारे आव भाव मतलब एक्सप्रेशंस केवल मुख में प्रकट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथों में प्रकट हो, नाचने वाले ज्यादा जानते होंगे, पर श्री प्रियालाल जी के कैसे बोले, एक एक अंग से भाव प्रकट होता है। आव भाव उपजत अंग अंग, विराज रहे एक आसन के ऊपर, किशोरी जी कह रही हैं, हे स्वामी जी, आज दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे आपको बताना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं नृत्य करो, एक मृदंग बजा रहे है, वीणा बजा रहे हैं और श्री प्रियालाल जो नृत्य कर रहे हैं, पहले कोई भाव बजे तो वापे श्याम सुंदर नृत्य करें और श्याम सुंदर नृत्य करके ऐसी भाव भंगिमा करके छोड़े कि किशोरी जी सोच में पड़ जाए अब मैं कहा करूं। लेकिन किशोरी जी तुरंत अपनी चुनरी को दबाए के ऐसो महाराज तान लेके आमे, ऐसी ताल लेके आमे, ऐसो नृत्य करें कि वाकू देख करके श्याम सुंदर आश्चर्यचकित हो जाए।
दोनों की एक पारी पूरी भई। बताओ स्वामी जी कौन ने बढ़िया नृत्य कियो? स्वामी जी बोले, जय जय, अब की बार तो हमारी श्यामा जी ने बढ़िया नृत्य कियो है। ठाकुर जी गए मृदंगवारे के पास, चौरे बिग्गो दिखे हैं किशोरी जी के तान में ताल बजा रहो है, जे बारो ताल बजा और जे वाला स्वर, स्वामी जी अब की बार मैं नृत्य करूंगा। कितना सुंदर आचार्य बैठे हैं और प्रिया लाल जी उनको मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। स्वामी जी के हाँ अब के नृत्य करो अब के। ठाकुर जी बोले, स्वामी जी आप पहले करो, मैं बाद में करूंगा। ठाकुर जी ने जो ताल बताई, जो राग बजायो, अब संगीतकार वो बजाने लगे और स्वामिनी जी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके ऐसा कठिन नृत्य करके दे रही हैं कि अब यह करके दिखाओ। स्वामिनी जी को नृत्य पूर्ण भयो, लेकिन लाल जी जैसे ही आए मृदंग की ताल पर ही धड़कन लगे महाराज, पैरन से ही नृत्य कियो, हाथ तो यूं ही रखे, ऐसा नृत्य कियो कि हाथ तो उठाए नहीं, पैरन के नृत्य पे ही। स्वामी जी बोले, वाह 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 भैया, अब के बार तो लाल जी ने बढ़िया कियो है। लेकिन सब सखियां बोली, हे स्वामी जी ये तो कछु बात ना भई, विजय तो कोई घोषित ही ना भयो, एक बार स्वामिनी जी बढ़िया कर गए, एक बार लाला बढ़िया, कोई एक तो ऊपर आना चाहिए। किशोरी जी बोली, एक बार और करो, अब की बार जाने बढ़िया कियो वो जीतेगो। होड़ा होड़ी ठाकुर जी ने हाथन से ऐसी ऐसी भंगिमा बनाई, ऐसा ऐसा नृत्य किया महाराज, खूब आनंद भयो। लेकिन अब के किशोरी जी जब आई है और केवल अपनी एक भुजा ऊपर को करी, दूसरी भुजा वही भंगिमा ऐसी कि वापस स्वामी जी तो कहा निर्णय ले, लाला ही मूर्छित है कि गिर गए हो, ऐसी स्वरूप धारण कियो किशोरी जी ने, ऐसा नृत्य किया, ऐसा स्वरूप बनाया हो कि महाराज ठाकुर जी आनंद में भरे आए। तभी किशोरी जी गई और एक भुजा दे के लाल जी को उठाया और दोनों संग में नृत्य करने लगे। नाच बस कीने उदित मदन, बस मदन मतलब कामदेव को मोहित करने वाले, कामदेव को मोहित करने वाले जो मोहन है उनका नाम है मदन मोहन। कामदेव बहुत सुंदर है पर उसको भी जो मोहित कर ले वो मदन मोहन, पर उन मदन मोहन को भी अपनी छटा पर मोहित कर ले वो हमारी श्यामा जी। उदित मदन बस कीने, उदित मदन बस कीने, हे नीझ नीझ भगवत की स्वामिनी, नीझ नीझ भगवत की स्वामिनी,
साकियों लाल अंक भरे। हरदास जी की गोद में लपक करके दोनों बैठ गए, एक तरफ ठाकुर जी और दूसरी तरफ किशोरी जी। किशोरी जी मुख पे थोड़ी पकड़ के बोली, स्वामी जी अब के कौन ने अच्छो नृत्य कियो। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए, किशोरी जी को अंक में ऐसे भर के बोले, अरे श्यामाजू आपने ही अच्छो नृत्य कियो। अब लाल जी तो रूठ के बैठ गए और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी को इतकु